तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल आरएस अपने प्रॉपर्टी हमारा सपना सबका घर होगा अपना। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एंट्रेंस लेते हैं तो 7 फीट का हमारा डोर आ जाता है। अंदर एंटर करते हैं दोस्तों सबसे बड़ा यहाँ पर एक छोटा सा आपको सेपरेट पार्ट मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर चाहे तो एक मंदिर भी बना सकते हैं, पूजा घर के रूप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको यहाँ पर एक स्पेस मिला है जिसको आप मंदिर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आज दोस्तों मतलब आपके रूह खुश हो जाएगी। 3 BHK फ्लैट, वो भी इतना बड़ा 3 BHK फ्लैट, 360 गज में ये बना हुआ है दोस्तों। और एक्चुअल फ्लैट की वीडियो दिखा रहे हैं आपको, एज इट इज ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर देखिए, एक तो फ्रंट बालकनी आ जाती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये हमारी फ्रंट बालकनी आ जाती है दोस्तों। पार्किंग की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ठीक सामने हमारी कार की पार्किंग आ जाती है, जहाँ पर इजीली 2 कार की पार्क आप कर सकते हैं। सामने रोड आप देखेंगे दोस्तों, बेहतरीन रोड आपके सामने होने वाला है। उसके ठीक सामने दोस्तों यहाँ पर राइट साइड में पार्क आ जाता है। 2 पार्क यहाँ पर होने वाले, यानी कि इतना पॉश एरिया है ये। जैसे कि आप सामने जो हमारा हाईवे है दोस्तों, सीधा बिल्कुल 40 वाला रोड है हमारा। एयरपोर्ट मात्र यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा एयरपोर्ट आया था, यानी कनेक्टिविटी बहुत शानदार है। पॉश एरिया होने वाला है, सेंटर में प्रॉपर्टी होने वाली है ये हमारी। अब यहाँ पर स्पेस देखिए आप, मतलब इतना बड़ा स्पेस है ना यार। आपने 10 सीटर सोफा लगाना, 12 सीटर लगाना, आपने एक्स्ट्रा चेयर्स लगानी है, राउंड टेबल लगाना, जो भी आप लगाना चाहते हैं एक्स्ट्रा आप लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ, इजीली आप आराम से जितना भी सोफा आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, राउंड टेबल्स वगैरह लगा सकते हैं, और कोई डिजाइनिंग आपने करनी वो आप कर सकते हैं। फ्लैट आपको एज इट इज मिलेगा, जैसे आप देख रहे हो बिल्कुल एज इट इज ही मिलने वाला है। उसके साथ में दोस्तों मैं बात करूँ, यहाँ पर ये हमारा डाइनिंग टेबल का स्पेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग डाइनिंग टेबल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस हमारे पास काफ़ी बचा हुआ है। यहाँ पर डाइनिंग टेबल्स हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि इसके ठीक सामने हमारा किचन है। चलिए पहले किचन विजिट कर जाता हूँ, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा किचन। किचन आप देखेंगे दोस्तों बिल्कुल सेपरेट बनाया गया है, यहाँ पर भी गेट दिया हुआ, बिल्कुल सेपरेट किचन आपका होने वाला है। यहाँ पर अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे किचन जो बिल्कुल एज इट इज मिलेगा दोस्तों। मॉड्यूलर नहीं होगा, लेकिन एज इट इज जैसा आप देख रहे हैं एज इट इज ही मिलने वाला है। यहाँ हमारा सिंक आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सैनिटरी वगैरह कंप्लीट आएगी, गीजर वगैरह आर ओ का प्रोविजन आपको मिलने वाला है। टाइल्स आप देखेंगे 2 फीट ऊपर तक टाइल्स लगा के दे रहे, ग्रेनाइट लगा करके दे रहे। यहाँ पर देखिए सर्विस आपको जो है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे सर्व करने के लिए भी अलग से स्पेस दिया गया, यानी कि एक्स्ट्रा सामान रखना है सर्व करना वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। पीछे आप देखेंगे छोटी सी आपको बालकनी मिल जाती है दोस्तों, जहाँ पर आपको वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, प्लस यहाँ पर हवा चारों तरफ से आपको आती रहेगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा दोस्तों किचन प्लस लिविंग एरिया। आप देखेंगे बिल्कुल सेपरेट लिविंग एरिया है, डाइनिंग टेबल्स हम यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो अपने हिसाब से इसको वो कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि ये हमारा एक स्टोर रूम आ जाता है, जो कि आप देखेंगे काफ़ी अच्छा स्टोर रूम साइज यहाँ पर दिया गया। ये आपका सेपरेट स्टोर आ जाता है, जहाँ पर कुछ भी चीज़ आप स्टोर कर सकते हैं अपनी। उसके साथ दोस्तों ये हमारा फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम आप देखिए कि सबसे बड़ी खूबसूरती ना दोस्तों, साइज देखिए आप, मतलब इतना बड़ा साइज है ना यार कि आप 2 डबल बेड भी लगा दो ना, फिर भी आपको स्पेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना बड़ा साइज होने वाला हमारे पास डबल बेड दोस्तों, अगर यहाँ पर भी लगाते 2 डबल बेड भी लगा दो फिर भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। यहाँ पर ये स्पेस देख रहे हैं आप, ये आपका कवर्स का स्पेस दिया गया है, यहाँ पर आप कवर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रॉपर सारा स्पेस दिया गया है, कवर्स आपके यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी दोस्तों। ऊपर जो वर्किंग आप देख रहे हैं बिल्कुल एज इट इज ही आपको मिलने वाला है। ये हमारा दोस्तों आ जाएगा अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम आप देखेंगे दोस्तों, टाइल्स वगैरह देखिए यहाँ पर ऊपर तक कवर करके दे रहे हैं। साथ में दोस्तों ये देखिए कितनी शानदार डिजाइनिंग के साथ आपको बना करके देने वाले। उसके साथ साथ दोस्तों आप अगर चाहे तो ये पोर्शन को आप सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पर वॉशरूम आपने बात के लिए ये पोर्शन आपका सेपरेट हो जाएगा। शावर वगैरह लगा करके दे रहे हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट है, टफन ग्लास लगा हुआ है, एडजस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है दोस्तों। तो ये हमारा दोस्तों फर्स्ट बेडरूम है विद अटैच वॉशरूम, काफ़ी अच्छा स्पेस होने वाला। और जो बालकनी है हमारी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट बेडरूम से भी अटैच होने वाली, यहाँ से भी हमारी अटैच रहेगी, तो कोई भी इशू आपको नहीं होने वाला। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने सेकंड बेडरूम की तरफ, और उसके बाद थर्ड बेडरूम दिखा दूंगा दोस्तों। उसके बाद प्राइस की बात करेंगे, इसके लोकेशन की बात करेंगे, तो ये हमारा सेकंड बेडरूम आ जाएगा। यहाँ पर स्पेस आप देखेंगे काफ़ी खुला स्पेस, मतलब जितने भी बेडरूम्स रहे तीनों बेडरूम्स में स्पेस इतना है कि 2 डबल बेड भी आप लगा दो तो स्पेस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। LED पैनल की बात करें तो LED पैनल आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इंस्टॉल हो कर सकते हैं आप, और काफ़ी अच्छा स्पेस आप पीछे भी मिल जाता है, यहाँ पर मिल जाता है। अगर 3D वॉलपेपर लगाना चाह रहे हो तो स्पेस पूरा दिया गया है, 3D वॉलपेपर भी आप लगा के इसको बेहतरीन डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों हमारा फिर से यहाँ पर ये आ जाएगा सेकेंड अटैच वॉशरूम, जो कि आप देखेंगे टाइल्स फिर ऊपर तक कवर की गई है। सेकेंड अटैच वॉशरूम बना हुआ है, शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है। टफन ग्लास आप देखिए, टफन ग्लास लगा हुआ है, एडजस्ट फैन के लिए स्पेस यहाँ पर भी है दोस्तों, ताकि वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना रहे। टाइल्स की बात करूँ 7 फीट ऊपर तक टाइल्स को कवर किया गया ताकि नमी की प्रॉब्लम ना आ सके दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से यूनिक डिजाइन से बनाई गई है। यहाँ पर दोस्तों हमारा फिर से जो है ये आप देखेंगे तो ये हमारी बैक साइड बालकनी आ जाएगी। दूसरे वाले रूम से दिखा देता हूँ मैं आपको, ये बैक साइड बालकनी आ जाएगी हमारी, तो ये चीज़ बढ़िया है इसमें, मतलब स्पेस जो है काफ़ी दिया गया आपको। ये हमारा थर्ड बेडरूम आएगा, और यहाँ पर फिर से हमारी जो कवर्स है उसके लिए सेपरेट पार्ट किया गया, कवर्स को आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी खुला स्पेस आपको मिल जाता है।
बेडरूम अगर डबल बेड की बात करें तो यहाँ पर डबल बेड आपका आ जाएगा, उसके बाद भी स्पेस काफ़ी बचा रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा हमारे होने वाले हैं। ये हमारा थर्ड अटैच वॉशरूम आ जाएगा। फिर से दोस्तों जाके आप देखेंगे टाइल्स वगैरह ऊपर तक कवर की गई है, 8 फीट ऊपर से 7 फीट ऊपर तक, और यहाँ पर भी एडजस्टमेंट के लिए स्पेस टफन गिलास दिया गया ताकि वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना रहे। ये सारी चीज़ें एज इट इज आपको मिलने वाली है दोस्तों। उसके साथ साथ ये हमारी देखिए बैक साइड बालकनी आ जाती है, जैसे कि फ्रंट बालकनी थी, ये हमारी बैक साइड बालकनी आ जाती है, काफ़ी अच्छी बनी हुई है जो कि काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। वॉशिंग एरिया के रूम में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे भी आप यूज करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। इसके दोस्तों सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों मोहाली 97 सेक्टर में, यानी कि 97 सेक्टर में ये है मोहाली में, और खूबसूरती इसकी रहेगी दोस्तों कि फोर्टिस हॉस्पिटल का जो रोड सीधा आ रहा निकल के वो बिल्कुल उसी हाईवे के ऊपर है। ये एयरपोर्ट यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पाया जाता है। इसका फुल प्राइस की बात करें तो 85 लाख रुपये इसका फुल प्राइस होने वाला है दोस्तों। डाउन पेमेंट की बात करें तो 20 से 25% आप डाउन पेमेंट करेंगे, बाकी आपका लोन करा देंगे। कनेक्टिविटी सारी मिल जाती है, एयरपोर्ट बिल्कुल पास में है, तो अपने बलून जाना है, पटियाला जाना है, वो सारी कनेक्टिविटी आपको पास में मिल जाती है। चीज़ बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी और रहने के पर्पज से भी, मतलब अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो उसके लिए बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा रहेगा। कार के पार्किंग का कोई इशू नहीं है, इजीली आप 2 कार पार्क कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा पार्क है, अगर वहाँ भी आप चाहे तो कार की पार्किंग उधर भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस आपको काफ़ी मिल जाता है। एयरपोर्ट बिल्कुल पास में आ जाएगा, डेली नेस की शॉप्स हो गई, सुहाना गुरुद्वारा बिल्कुल पास में आ जाएगा दोस्तों, क्वार्क सिटी हो गई, टेली परफॉर्मेंस जैसी IT जो कंपनी है वो बिल्कुल बिल्कुल पास में आ जाएगी। यानी कि चीज़ लगा जवाब है, 20 से 25% डाउन पेमेंट करना है, बाकी आपका लोन करा देगा। यानी कि इजीली बात करो तो 85 लाख का है, आपने 16-18 लाख रुपए डाउन पेमेंट करना है, बाकी इस पर लोन हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो आप किस चीज़ की चाह रहे हैं, कोठी विला डुप्लेक्स कहाँ पर चाहते हैं, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम कोशिश कर रहे हैं रेगुलर हर सिटी में जाके आप लोगों को वो प्रॉपर्टी देने की जो आप सर्च कर रहे हैं। तो मिलेगी दोस्तों अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।